हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है रिसोर्सेज, और इसका लेक्चर नंबर 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम देखेंगे जनरली मैन मेड रिसोर्सेज एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी इंसानों की ज़रूरतों को पूरी करे उसको हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। या ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे काम की हो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि रिसोर्सेज 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, उनमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे द्वारा नहीं बनाए जाते, उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। और ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम बना रहे हैं, हम मतलब इंसान बना रहे हैं, उनको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या मैन मेड रिसोर्सेज। और तीसरा है ह्यूमन, ह्यूमन भी अपने आप में क्या है, रिसोर्स है, क्योंकि इंसान भी बहुत ज़्यादा काम आता है। आपको पता है हर इंसान का कुछ ना कुछ मतलब एक ज़िंदगी में अलग ही योगदान होता है हमारी लाइफ में। ठीक है, और आप देखो मार्केट में जाओ, आसपास देखो, हर इंसान के अंदर अलग ही खूबी मिलती है, और उस खूबी के आधार पर, उस अलग ही स्किल के आधार पर वो अपना जीवन यापन भी कर सकता है, अपना बिजनेस चला सकता है। जैसे मान लो टीचर है तो उसको टीचिंग स्किल आती है तो वो अपना टीचिंग के थ्रू लाइफ गुजार सकता है। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर को क्या आता है, डॉक्टरी वाली स्किल आती है, उसको मेडिकल से रिलेटेड नॉलेज होती है। तो ह्यूमन भी अपने आप में क्या है, रिसोर्सेस, इसको हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल तो इतना ध्यान रखो आपकी रिसोर्सेस 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस जो हमें नेचर से मिलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। ह्यूमन, ह्यूमन अपने आप में ही क्या है, रिसोर्स है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेस हमने डिस्कस कर लिए, अब हम देखेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। तो पहली चीज तो आप बेसिक समझ लो, जो मेन मतलब क्या है इसका, नाम देखो ह्यूमन मेड मतलब इंसानों के द्वारा रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब मानव निर्मित रिसोर्सेज या ऐसे रिसोर्सेज जिनको किसने बनाया है, जिसको इंसानों ने बनाया है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब देखो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में एक चीज़ ध्यान रखना है, पहले तो मैं बुक की जो लैंग्वेज है वो बता देता हूँ। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। ये कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है जो कुछ पदार्थ, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जो नेचर के द्वारा पाए जाते हैं, नेचर के द्वारा दिए हुए होते हैं, अगर हम उसका ओरिजिनल रूप चेंज कर दें तो वो क्या बन जाता है, रिसोर्स बन जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, ये आपको देखो पेड़, तो पेड़ क्या है, नेचर के द्वारा गिफ्टेड है। इसी में से आपको पता है लकड़ी आएगी, और लकड़ी को जो वुड होती है इससे कई सारे आइटम्स अगर बना दें, मगर बनाएगा कौन, अपने आप तो बनेंगे नहीं आइटम। जैसे आपने चेयर बना दी, टेबल बना दी, कुछ भी लकड़ी का आइटम बना दिया, और किसके द्वारा, इंसानों के द्वारा। तो ये वाले जो रिसोर्सेस हैं, ये वाले जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये वाली चीज़ें जो लकड़ी के आइटम्स बने हुए हैं, ये हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। बनाए किसके द्वारा जा रहे हैं, इंसानों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। कहाँ से लिए, नेचर से। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर नेचर से जो चीज़ हमें ली है, ओरिजिनल फॉर्म को अगर हम चेंज कर दें तो वो क्या बन जाएगी, रिसोर्स बन जाएगी। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि आयरन ओर वाज नॉट रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। देखो आयरन ओर क्या है, आपको पता है आयरन मतलब लोहा। अब लोहा क्या है, जमीन से डायरेक्ट नहीं निकलता, जमीन में से जो कच्चा माल निकलता है ना उसको हम बोलते हैं आयरन ओर। तो ये आयरन ओर बहुत सालों से जमीन के अंदर है, जब तक लोगों को इस आयरन ओर से आयरन निकालना नहीं आया, एक्सट्रैक्ट का मतलब है निकालना, किसी चीज़ को निकालना, जब तक लोगों को ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनको पता नहीं था कि आयरन ओर से कैसे आयरन निकाला जाता है, तब तक ये कोई रिसोर्स नहीं था। मगर जैसे ही इंसानों ने सीखा यार आयरन ओर से हम क्या निकाल सकते हैं, आयरन निकाल सकते हैं, तो आयरन ओर क्या बन गया, रिसोर्स बन गया। ठीक है, आयरन क्या बन गया, रिसोर्स बन गया। तो देख लो आप आयरन आज कितनी सारी जगहों पर यूज करते हैं, हालांकि ये हम बाद में बताएंगे कभी जब इसका मिनरल वाला चैप्टर आएगा। आयरन ओर से आयरन कैसे निकलता है, आयरन इसको गर्म करते हैं, भट्टी में गर्म करते हैं, वहाँ पर इसकी जो इम्प्योरिटी होती है, इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अलग हो जाती हैं और हमें मिल जाता है आयरन। ठीक है, और पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेज, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो आपने देखा होगा जो इंसान है वो क्या करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को कई सारी चीज़ बनाने में यूज करता है, जैसे बिल्डिंग बना दी, ब्रिज बना दिए, रोड्स बना दिए, मशीन्स बना दिए, व्हीकल्स बना दिए, इन सब चीज़ों में क्या कर रहे हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों को, जो बिल्डिंग, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, ETC, ये जो चीज़ हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज।
और टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है। अब देखो टेक्नोलॉजी पेड़ पे तो उगती नहीं है, टेक्नोलॉजी बना कौन रहा है, इसको डेवलप कौन कर रहा है, इसको इंसान डेवलप कर रहे हैं, तो कैसा रिसोर्स हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। मोबाइल कैसा रिसोर्स हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। लैपटॉप कैसा हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हो गया। तो जो भी चीज़ इंसानों के द्वारा बनाई जा रही है, नेचर के द्वारा नहीं बनाई जाती, वो चीज़ क्या कहलाएगी, ह्यूमन मेड रिसोर्स। किताब हो गया आपका, पेन हो गई, कॉपी हो गई, मोबाइल चार्जर, बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में जितनी भी चीज़ें जो इंसानों ने बनाई है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। हमारे आसपास जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है जो इंसानों ने बनाई है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो, मगर आप देखो इसमें जो चीज़ें होती है वो कहाँ से, हम यूज कहाँ से करते हैं, उसकी ओरिजिनल फॉर्म जो होती है वो कहाँ से लेते हैं, वो हम लेते हैं नेचर से। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी चेयर वाला, तो चेयर में जो लकड़ी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है नेचर से, ठीक है, पेड़ से आ रही है, तो पेड़ नेचुरल में आ जाएगा। और अगर उसकी टेबल चेयर और कुछ भी आइटम बना दिया तो वो कैसा बन जाएगा, ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेस। मैंने बताया ह्यूमन भी अपने आप में क्या है, रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन भी बहुत सारी ज़रूरतें फुलफिल करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो भाई आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि आपकी ज़रूरत क्या पूरी हो रही है कि आपको पढ़ाई मिल रही है, कोई पढ़ाने वाला है, तो आप सीख रहे हो कुछ ना कुछ, आपकी ज़रूरत फुलफिल हो रही है, तो मैं आपकी नज़र में क्या हो गया, एक प्रकार का रिसोर्स हो गया। पुलिस है वो अपने आप में रिसोर्स है, क्यों, जनता की मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है आसपास के एरिया में, ठीक है। जज एक प्रकार से रिसोर्स है, क्यों रिसोर्स है भाई जज, क्योंकि वो फैसला सुनाता है। ऐसे ही बहुत सारे डॉक्टर अपने आप में रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स आ जाएगा, क्योंकि वो अपनी मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं। हर व्यक्ति जो किसी दूसरे के काम आ रहा है या कोई सर्विस दे रहा है, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, रिसोर्स कहलाएगा। इवन जो वर्कर होते हैं, वर्कर भी क्या होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, क्योंकि वो भी काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, वो अपने आप में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। और एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति के पास कोई स्किल नहीं है, स्किल का मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे अंदर कौन सी स्किल है, टीचिंग स्किल है, डॉक्टर के पास कौन सी स्किल होती है, डॉक्टर वाली स्किल होती है, इंजीनियर के पास इंजीनियरिंग वाली, तो हर व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी स्किल्स होती हैं, उन्हीं स्किल्स के आधार पर वो क्या करते हैं, अपनी आमदनी, कुछ पैसा, रुपया या घर खर्चा, ये सारी चीजें चला सकते हैं। अगर व्यक्ति को हम स्किल दे दें, उसको कुछ सिखा दें, स्किल का मतलब उसको कुछ कौशल दे दें, उसको कुछ सिखा दें, कोई काम करना सिखा दें, तो वो बंदा क्या बन जाएगा, रिसोर्स बन जाएगा। अगर घर में कोई व्यक्ति ऐसे ही है, मतलब कोई काम धाम नहीं कर रहे, उसको आप कुछ सिखा दो, मैं तो कह रहा हूँ उसको डांस करना ही सिखा दो, तो हो सकता है फ्यूचर में वो डांस अकेडमी खोल ले। उसको आप वेल्डिंग करना सिखा दो, वेल्डिंग की दुकान खोल ले। पंखा, ये कूलर ये बनाना सिखा दो, वो अपनी दुकान खोल लेगा। तो कुछ जो हुनर होता है ना, जो चीज़ सिखाई जाती है, जो या कोई अपने अंदर कौशल डेवलप किया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्किल। तो अगर इंसानों को स्किल दे दी जाए, उनको नॉलेज दे दी जाए, उनको ट्रेनिंग दे दी जाए, तो इंसान भी क्या बन जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स, ध्यान देना। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए हमारी सरकार में एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बस कुछ नहीं है इसमें, पीपल कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। मतलब कह रहे हैं कि जो इंसान है वो हमारे नेचर का बेस्ट यूज कर सकते हैं और इस नेचर से कई सारे रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, अगर उनके पास नॉलेज है, अगर उनके पास स्किल है, अगर उनके पास टेक्नोलॉजी है ऐसा करने की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर को हमें अगर बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करना है, अच्छे तरीके से यूज करना है, हमारे डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, विश्व के डेवलपमेंट के लिए यूज करना है, तो उसके लिए इंसानों के पास क्या क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इसीलिए ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल रिसोर्स बोलते हैं, कि ये भाई स्पेशल रिसोर्स है। भाई सिंपल सी बात है, आज की डेट में आपके आसपास जितनी सारी चीज़ दिखाई दे रही है, उन सबका कर्ता धर्ता कौन है, जनक कौन है, फादर कौन है, इंसान है। अगर इंसानों को कुछ चीज आ जाए तो वो देखना फिर कितनी सारी चीजें क्रिएट कर देता है। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है, वही खूबी एक प्रकार से उसको क्या बना देगी, रिसोर्स बना देगी, क्या बना देगी, रिसोर्स। तो पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, ध्यान रखना, जितने भी लोग हैं वो अपने आप में क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। अगर किसी को चाय बनाना भी आता है तो वो भी एक प्रकार से रिसोर्स है, क्योंकि वो चाय की दुकान खोल सकता है, लोगों को जिनको चाय की जरूरत है वो चाय दे सकता है, समझ रहे हो। कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ खूबी है, वो अपने आप में क्या है, रिसोर्स है, क्योंकि वो किसी ना किसी की नीड्स फुलफिल कर रहा है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल एज ए वैल्यूएबल रिसोर्स। तो ध्यान देना, आज की दुनिया में एजुकेशन और हेल्थ ये दो ही चीज़ ऐसी हैं जो
इंसानों को क्या बनाती हैं, वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती हैं, क्योंकि एजुकेशन से नॉलेज आती है और फिर स्किल भी डेवलप होती हैं। तो एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, और हेल्थ इसलिए जरूरी है क्योंकि बीमार आदमी तो कोई काम कर नहीं सकता, इसलिए हेल्थ भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे देश के सामने, हमारे विश्व के सामने, वो दो ही चीज़ें, एक तो एजुकेशन और एक है हेल्थ। तो ध्यान देना, आपको ना एजुकेटेड बनना है। ऐसा मतलब यूँ नहीं कि मतलब पास मार्क हो गया, नंबर ले रट रटा के, मतलब चीज़ों को समझो। अगर आप चीज़ों को समझोगे तो आप विद्वान बनोगे, और आप कुछ कुछ नया करने की आपके अंदर कैपेसिटी डेवलप होगी। तो कभी भी चीज़ों को रटा मत करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो और खुद के एग्जाम्पल क्रिएट्स करने की कोशिश करो। मैंने यहाँ पे जितनी एग्जाम्पल बताएं, आप भी सोचो हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें रिसोर्सेस हैं, और कमेंट करके बताओ आपने क्या क्या देखा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी कितनी नॉलेज है, आपका ब्रेन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा सही से। तो बताओ आपके आसपास कौन कौन से ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हैं, कमेंट करके आपको बताना है, ताकि आपकी प्रेजेंस मुझे पता चलता रहे। अगला टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब सिंपल सी बात है, ह्यूमन जो रिसोर्सेस हैं, जो इंसान हैं, उनका क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। अब बताओ इंसानों का डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, सोचो कैसे कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया इंसानों को डेवलप करने के लिए दो ही चीज़ चाहिए। सबसे पहली चीज़ है एजुकेशन। सबसे पहली चीज़ क्या है, एजुकेशन दोगे तो उसको नॉलेज आएगी, नॉलेज आएगी तो उसके आधार पर वो कुछ कर सकता है। दूसरी चीज़ है हेल्थ, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ है स्किल, स्किल मतलब उसको कुछ करना सिखा दो, इंसानों को कुछ करना सिखा दो। किसी को डांस की मतलब ट्रेनिंग दे दो, किसी को होटल मैनेजमेंट का कोर्स सिखा दो, किसी को इलेक्ट्रिसिटी का कोर्स सिखा दो। बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं मार्केट में, छोटे छोटे, जैसे आपने सुना होगा ITI करते हैं आज की डेट में लोग, बाग एक एक दो दो साल के कोर्सेस होते हैं, एक एक दो दो साल में वो कुछ मतलब स्किल डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, और फिर वो अपना छोटा मोटा काम रोजगार स्टार्ट कर देते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब है इंसानों को डेवलप करना, ताकि इंसान क्या बन सके, रिसोर्स बन सके देश के लिए, मतलब एक प्रकार से धन बन सके देश का, ना कि देश पर बोझ। ध्यान दो, कुछ लोग कहते हैं जैसे सुना हुआ आपने, तो फैमिली में बोझ है। अगर मैं कह रहा हूं उसी व्यक्ति को आप कुछ सिखा दो, कुछ नॉलेज दे दो, छोटा मोटा कोर्स करा दो, वही व्यक्ति घर के लिए सोना बन जाएगा, हीरा बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसकी जॉब लगेगी तो सब कहेंगे भाई ये तो हीरा है, समझ रहे हो। तो इंसान को हीरा बनाने के लिए क्या चाहिए, हीरा बनाने के लिए नॉलेज चाहिए, हीरा बनाने के लिए एजुकेशन चाहिए, हीरा बनाने के लिए हेल्थ की फैसिलिटी होनी चाहिए, हीरा बनाने के लिए उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट होना जरूरी है। इसीलिए सरकार आज की डेट में आपने सुना होगा एक प्रोग्राम चला रखा है, स्किल इंडिया मिशन, मोदी जी वाला आपने सुना होगा, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर सरकार क्या कर रही है, लोगों को स्किल प्रोवाइड करा रही है, जगह जगह पर ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं, समझ गए। तो इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल, अब देखो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल, लोगों की स्किल की क्वालिटी को इंप्रूव करना, सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, रिसोर्स क्रिएट कर सकें। इसी चीज़ को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, समझ रहे हो। लोगों के अंदर जो एबिलिटी है ना, लोगों के अंदर जो क्षमता है, लोगों के अंदर जो स्किल्स हैं, उनको क्या करना, इंप्रूव करना, अच्छा करना, बेटर करना, पहले से लोगों को अच्छा करना, बेटर करना, ताकि वो ज्यादा रिसोर्सेस क्रिएट कर सकें। यही चीज कहलाती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और इसको अच्छा करने के लिए ध्यान देना दो चीज बहुत जरूरी है, एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ध्यान रखना, जितनी भी कंपनियां होती हैं प्राइवेट कंपनी, वहां पर एक डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जहां पर लोगों को ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराना, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, ताकि लोगों की स्किल्स को क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके, ठीक है। तो यहां पर हमारा चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है, एक लेक्चर और आएगा, इसके बाद चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको नोट्स डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको पता है हमारा टेलीग्राम चैनल कौन सा है, हमारा टेलीग्राम चैनल है लकी एजुकेशन, इसको आप ज्वाइन कर लेना। और कैसे ज्वाइन करना है, कैसे नोट्स डाउनलोड करने हैं, यहाँ पर एक मैंने छोटी सी वीडियो बना रखी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो मिलती रहेंगी, तो इसको जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।